हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। कल से मेरा मतलब है कि हमारी प्लानिंग आज हमारी डेट थी 2 तारीख, तो हमारी कल के लिए 3 तारीख के बाद क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आज की मार्केट में क्या हमको मोमेंटम मिला था, क्या उसका लॉजिक था। तो आप देख सकते हो आज की पूरी मार्केट, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा तो पहले आप देखो, आज पूरी मार्केट में कोई भी हमको बिग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिली। आज पूरा मार्केट हमारा ऊपर की साइड 485 और नीचे की साइड एंड में आया था यहाँ पे, तो बाकी तो एक कुल 101 पॉइंट की रेंज में सिमट के रह गया है। तो दोस्तों कोई नहीं, बस आज भी फिर हमको छोटे छोटे मौके मिले जिसके हेल्पिंग के लिए, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम चलते हैं कि हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए थी। मौके बस 2 ही मिले थे एंड ज़्यादा अच्छे मौके थे नहीं, वो मैं गया नहीं उनकी साइड, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा मेरा लॉस हो गया था, उसके बाद मैं गया नहीं। अब आप यहाँ से देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन इस मार्केट में यहाँ से क्रिएट हुई थी, और सेम ये एक कहानी आपके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिली है। आप देख सकते हो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनी थी, तो सिर्फ हमको मार्केट में देखने के लिए यही 2 मौके मिले थे और स्कैल्पिंग के मौके थे। तो आज की मार्केट उतनी अच्छी रही नहीं जैसी होनी चाहिए थी, और अभी हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 रेड लाइन ली हुई है, और रेड लाइन्स को आप जानते ही हो, हम अपने वीडियो में डिस्कस करते हैं। वो हमारे ये दो दो हमारे जो रेड लाइन्स, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है, मतलब कि जब तक मार्केट इस बीच में रहेगा तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर अभी इस बीच जो हमको मार्केट रहेगा तो हमको ट्रेड नहीं करेंगे, जो थोड़ा भाई काम कर लेता है, जो थोड़ा प्रो प्लेयर है वो थोड़ा बस इसके बीच में। यहाँ अगर मार्केट हमारे यहाँ से डे क्लोज से ऊपर की साइड जाता है तो वो यहाँ तक के लिए स्कैल्पिंग कर सकता है, और आप मतलब कि डे हाई तक के लिए। अगर मार्केट इससे नीचे आता है तो वो यहाँ तक स्कैल्पिंग, पर यहाँ तो कोई स्पेस ही नहीं है। तो फिर मेरा मतलब ये है कि आप 100 पॉइंट की रेंज है, अगर ट्रेड नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके लॉसेस नहीं होंगे। तो फिर हमारे लिए कल की हमारा चाहिए, आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होगी कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर कुछ लोग भी काम जैसे काम करते हैं, जैसे कि बॉक्स वगैरह मार्क करते हैं या फिर उसको ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं, तो ये वही कंडीशन बनी हुई है आपके सामने। देखो इसके लिए सिंपल सा हमारा एनालाइज रहेगा, ये बॉक्स जिस साइड टूटे उसी साइड हमने बैठ जाना है बस, ये जो बॉक्स बना हुआ है। अभी आप देखोगे अगर हमारा बॉक्स ऊपर की साइड टूटता है तो आप यहाँ पर देखो, एक तो हमको डे हाई का वो मिलेगा हमको ब्रेकआउट, मतलब कि जो हमारा आज का डे हाई लगा हुआ है, जो कि हमारा 2 मई का डे हाई, अगर यहाँ से ऊपर से निकलता है तो हमको डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। और अगर मार्केट ऐसे जाके इसको टेस्ट करके ऊपर निकलता है तो हम अच्छे खासे टारगेट के ऊपर बैठ सकते हैं, बट याद रहे साथ में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है जो 500 का है, तो हमने इसका भी ब्रेकआउट चाहिए ही होता है। तो ये तो बात थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड जाता है, मतलब नेगेटिव की साइड जाता है, तो हमने ध्यान देना है यहाँ पर हमारी 3 स्ट्रेटेजी एक्टिव होंगी। एक तो हमको यहाँ पे ब्रेक डाउन मिलेगा आपका जो ये है 28 के डे क्लोज का, एंड आप यहाँ पर देखोगे तो डे क्लोज एंड डे लो बिल्कुल दोनों पास पास में है, हमको यहाँ दोनों से ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा सीधे टारगेट हो जाएगा हमारा 43,000। अगर हमारा इसका भी हमको ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारा टारगेट हो जाएगा सीधा सीधा 42,800। तो फिर ये तो आपको समझ में आया होगा, इसके बाद हम प्लानिंग करते हैं अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ। अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है तो फिर हमने ध्यान देना है कि ओपन कहाँ पे हो रहा है। अगर हमारा मार्केट इसी लेवल पे, मतलब कि जो कि आजकल डेहे लगा हुआ, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे ऐसे होल्ड कर जाता है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट आपने वेट करना है कि जैसे कि आज होल्ड हुआ था, जैसे कि ये जो कंडीशन बनी है मार्केट जैसे आज यहाँ होल्ड होता है, अगर ऐसे होल्ड कर जाता है तो फिर हम सीधा देखेंगे, हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और हमारे ऊपर के टारगेट हो जाएंगे। पहले हमारा टारगेट होगा 750 एंड फिर 800, फिर हमारा सीधा 44,000। तो मार्केट हमारा एक हमको न्यू हाई लगा सकता है कल के दिन के लिए, बट अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होके यहाँ से हमको कोई बेयरिश कैंडल दिखा के और नीचे की साइड चलता है तो हमको अच्छी खासी मौका मिल सकता है कि मार्केट अपने गैप को फिल करने के लिए आता है। मोस्टली यही होता है कि मार्केट आपको अपने गैप को फिल करने आता ही आता है, उसके बाद वो रिकवरी करता है। तो हमको यहाँ तक के लिए मौका मिल सकता है, एंड यहाँ पे आके इस सपोर्ट पे आके डे ग्रोथ पे या डे लो पे अगर कोई हमको बुलिश कैंडल दिखा पाए इस प्रकार की, तो फिर हम उसके लो का एसएल मार के ऊपर के लिए बैठ सकते हैं। टारगेट हमारे वही होंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे। अगर हमारा मार्केट हमको सीधी सीधी गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है यहाँ से, तो फिर हमने देखना है गैप डाउन ओपनिंग हो कहाँ रही है। अगर हमारी गैप डाउन ओपनिंग सीधी ही हो रही है 43,000 के लेवल पे, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको पता है यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, तो फिर यहाँ पर कोई ऐसी बुलिश कैंडल दिखाता है आपके सामने तो ऐसे आप उसका यहाँ एसएल मार के यहाँ से एंट्री मार के ये मूवमेंट पकड़ पकड़ सकते हो। टारगेट आपके सामने ऊपर के मैंने बताए हुए हैं। और अगर हमारा मार्केट यहाँ से हमको गैप डाउन होके अगर हमको बियर कैंडल दिखाता है तो आपने ट्रेडिंग को अवॉइड कर देना है, आपने पुट प्राइस में बनने का वेट करना है, क्योंकि कई बार ऐसे गैप डाउन हमको ट्रैपिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो फिर नीचे मैंने अपने अपने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप लोग चाहो तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे हम आपको लाइव मार्केट लेवल्स प्रोवाइड करते ही करते हैं। तो फिर चलिए आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए लॉजिक के साथ। नहीं हो रहा था।